दोस्तों आजकल दुनिया भर में क्रिकेट छाया हुआ है, जहां देखो क्रिकेट खेला जा रहा है। इसी के चलते एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने क्रिस गेल को डव साबुन से धोया। फिर अरे फिर क्या, उस डव साबुन को टाइड से धोना पड़ा, वो भी 10-10 बार। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों आज के गांव वाले शहर से भी बहुत एडवांस हो गए। एक जमाना था जब गांव की लड़कियां बड़ी शर्मीली सी, सहमी सहमी सी, छुई मुई सी हुआ करती थी, लेकिन आज की लड़कियां गांव की बहुत एडवांस हो गई है, शहर की लड़कियों से भी आगे निकल गई है। एक किस्सा सुनाऊं मैं आपको। हमारे गांव की एक लड़की घर से भाग गई। अब घर वाले सारे परेशान, माँ रोए जा रही है, बाप यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, लड़की कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद लड़की खुद वापस आ गई। माँ खुश, कह रही मेरी बच्ची वापस आ गई। लेकिन बाप तो गुस्से में था, उसने पूछ लिया अब क्यों आई हो। लड़की ने एकदम धीमी आवाज में बोला, वो मेरे मोबाइल का पतले पिन का चार्जर लेने आया। दोस्तों मेरी बीवी बहुत दबा के खाना खाती है। मैंने एक दिन उससे पूछा, अरे भाई शादी से पहले तो तुम बहुत व्रत रखा करती थी, अब क्या हुआ। पत्नी बोली, बहुत नहीं, सिर्फ 16 सोमवार। मैंने कहा, हाँ तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया। पत्नी बोली, कुछ नहीं, तुमसे शादी हुई और मेरा व्रत से भरोसा ही उठ गया। दोस्तों हमारे मोहल्ले के एक दोस्त की नई नई शादी हुई। अब वो मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया ये जानने के लिए कि मैं अपनी पत्नी का दिल कैसे जीतूं। अब वो हमारे चाचा बोले, अरे बेटा सिगरेट पीते हो। मैं बोला, नहीं। बोले, वेरी गुड, लेकिन एक काम करना, पहली रात को बीवी के पास जाओ तो सिगरेट जला के उसके पास जाना और उसको बोलना कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बचपन की आदत अभी छोड़ देता हूँ। सलाह तो बड़ी इंप्रेसिव लगी, दोस्त ने वैसे ही किया। फर्स्ट नाइट कमरे में एंट्री मारी, स्टाइल से सिगरेट जलाया और बोला, जाने मन, अगर तुम कहो तो मेरी बचपन की आदत तुम्हारे लिए अभी छोड़ देता हूँ। उसकी बीवी बोली, अरे नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, पियो सिगरेट और अगर गोल्ड फ्लेक लाइट है तो एक सुट्टा मुझे भी मारना है। दोस्तों हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, कौशिक, बड़ा ही दुबला पतला सा लड़का है। एक दिन वो एक डॉक्टर साहब के पास गया, बोला, डॉक्टर साहब मेरे को एक बीमारी है, ठीक कर दो। डॉक्टर बोले, हाँ बताओ क्या बीमारी है। हाँ, बोले पहले वादा करो आप हंसोगे नहीं। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ ठीक है, वादा करता हूँ नहीं हंसूंगा, बताओ क्या बीमारी है। तो भाई साहब कौशिक ने जो है अपनी पतलून उतारी। डॉक्टर साहब ने देखा कौशिक की टांगे बिल्कुल गन्ने जैसी दुबली पतली। डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया, वो हंसने लगे। कौशिक को बुरा लगा, बोले, डॉक्टर साहब देखो आपने बोला था हंसोगे नहीं। डॉक्टर ने अपनी हंसी रोकी, बोले, अच्छा अच्छा ठीक है नहीं हंसूंगा, बताओ प्रॉब्लम क्या है। हाँ, बोले आप फिर से वादा करो आप हंसोगे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं हंसूंगा, बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो ये कौशिक साहब बोले, डॉक्टर साहब इनमें सूजन आ गई है। दोस्तों कभी कभी ओवर स्मार्टनेस भी आदमी को भारी पड़ सकता है। ऐसे एक आदमी का किस्सा सुनाता हूँ आपको। अंबाला से एक ट्रेन चल रही थी अमृतसर के लिए। ये भाई साहब अंबाला से चढ़े ट्रेन में, डब्बे में चढ़ते ही इन्होंने देखा पूरा डब्बा खचाखच भरा हुआ, बैठने तक की जगह नहीं। तो इस आदमी ने अपना ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, ओ सांप 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 सांप। सांप का नाम सुनते ही सारे पैसेंजर ने अपना सामान उठाया और दूसरे डब्बे में भाग गए। इस आदमी के लिए तो डब्बा खाली हो गया। इन्होंने अपना ऊपर का एक बर्थ पकड़ा, दिन भर थके हुए थे, तुरंत सो गए, नींद भी आ गई बढ़िया से। सुबह इनकी आंख खुली चाय वाले की आवाज से। वो अपना चाय 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 करता हुआ जा रहा था। इन्होंने पूछा, ओ चाय वाले इधर आ भाई, चाय वाय पिला। चाय पीते पीते उन्होंने चाय वाले से पूछा, ओ भाई कौन सा स्टेशन है। चाय वाला बोला, अंबाला। ओ क्या बात करता यार, अंबाला से तो मैं रात को चला था। बोला, भाई साहब ये डब्बे में सांप निकला था तो इसको यही छोड़ दिया, बाकी ट्रेन चली गई। दोस्तों आजकल अफवाहों का भी मौसम चल रहा है। व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं अफवाहों भरे और लोग भी उन पे यकीन कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन एक अफवाह भरा मैसेज पंजाब में वायरल हो गया कि कल से कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भर लो। होना क्या था, सब लोग अपनी गाड़ियां ले गए, पेट्रोल पंप पे लाइन लगा दी। वहां से एक चाचा गुजर रहे थे, बुजुर्ग चाचा, उन्होंने देखा पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, जोर से चिल्लाए, अरे अहमको कर्फ्यू लगेगा तो गड्डी के अपने बेडरूम भी चलाओगे। होना क्या था, सब लोग वहां से निकले और दारू के ठेकों पे लाइन लगा दी।
दोस्तों कॉलेज के दिन भी क्या दिन होते हैं, क्या सुहाने दिन होते हैं, गुलाबी दिन होते हैं, लेकिन ये दिन शैतानियों भरे भी होते हैं। हमने भी की है, आपने भी की होगी। ऐसे ही एक कॉलेज के कुछ शैतान लड़कों ने शैतानी की। उन्होंने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक पेपर चिपका दिया जिस पे लिखा था 50% लड़कियां बेवकूफ होती है। लड़कियों ने ये पढ़ा, उन्हें बहुत गुस्सा आया। सारे कॉलेज की लड़कियां एक होके उन्होंने बवाल मचा दिया, कंप्लेंट गई प्रिंसिपल तक। प्रिंसिपल नीचे उतर के आए, नोटिस बोर्ड से वो पेपर हटाया और वहां पे दूसरा पेपर लगाया जिस पे लिखा था 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती है। तब जाके सारी लड़कियों का गुस्सा ठंडा हुआ। अब इसके आगे मैं क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हो। दोस्तों आजकल ये पंडित और बाबा लोगों से तो भगवान ही बचाए। एक दिन हमारे मोहल्ले की बात है, दो पंडित आपस में झगड़ा कर रहे थे, मारामारी हो रही थी, एक दूसरे की खूब पिटाई कर रहे थे। कोई बीच में ना पड़े। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आई, इंस्पेक्टर साहब उतरे और बोले, ओ गुरु पंडितों, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो यार, क्यों मारपीट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसमें से एक पंडित बोला, इंस्पेक्टर साहब, जब इसे पता है कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो इसने मेरे चिकन में क्यों डाला, पूछिए इससे। दोस्तों लोग भी ऐसे अजीबोगरीब होते हैं कि घर में भले ही लौकी, करेला और टिंडे की सब्जी खाते हो, लेकिन शादी में जाने के बाद खाने की बुराई ऐसे करेंगे जैसे खुद संजीव कपूर इनके घर आके खाना बना के जाता हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए और हंसाते रहिए। टेक केयर।